Hello everyone, welcome back to the channel. So right now I am standing in front of the hostel of Homestead Medical University. तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे एंड आई विल शो यू गाइज कि हाउ इज द हॉस्टल एंड हाउ इंडियन स्टूडेंट्स आर लिविंग ओवर देयर. तो आई वॉज वन ऑफ आर स्टूडेंट्स टू हेल्प मी इन दैट एज वेल. सो आई विल जस्ट लेट्स गो इन साइड एंड देन विल शो कि कैसे क्या है. Like 24/7 there is a security guard also sitting. तो in terms of like safety वाली जो चीज़ है इट इज़ टोटली सेफ. तो नाउ विल गो टू द फिफ्थ फ्लोर जो कि मेन फ्लोर है बच्चों का जहाँ पे मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं. सो बेसिकली लाइक इफ वी एंटर ऑन द फ्लोर तो If you look at the right side, that is almost like girls wing. So mostly सारी जो girls हैं वो side रहती हैं and this is kind of like boys wing. वहाँ पर शायद कुछ एक दो room हैं boys के, other than that like it is mostly the girls area. Now we will go to the rooms of Sejal. She is going to show us around her room, कैसा है उनका room and how like what are the things that they have got. So yeah, let's go. ये हमारा रूम है 512 नंबर है इसका. सो आप अंदर आ जाओ. ये हमारा कबर है जिसमें हम क्लोथ्स या जो रख सकते हैं अच्छे वाले. तो ये दो कंपार्टमेंट है और ये एक है जो हम तीनों को इनफ है. फिर यहाँ पे एक स्टडी टेबल है जो एक हमारी पार्टनर यहाँ पे स्टडी करती है. ये हम तीनों का फ्रिज ठीक है. रेफ्रिजरेटर आपको हॉस्टल से ही मिला है? हाँ जी हॉस्टल से ही मिला. जो भी है सब हॉस्टल से ही मिला है. ये बर्तन रखने का अच्छे से ये भी सब हॉस्टल से ही मिला है हमें. ये टेबल वगैरह ये सब आपको सब हॉस्टल से ही मिला है. यहाँ पे कुछ चॉपिंग करना होगा कुछ करना होगा तो यहाँ पे रख सकते हैं हम. ये हमारा सामान रखने का है. यहाँ पे सब मसाले सब रखा है. ये भी अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं वरना तीनों के अलग अलग स्टडी टेबल है. ये एक ये दूसरा और ये तीसरा. ऐसे तीन स्टडी टेबल है हम तीनों के रूम. ये मेरा बेड है ये मेरे फ्रेंड का और ये थर्ड. तो लाइक थ्री पीपल आर लिविंग इन द वन रूम राइट नाउ. यस जो कि अच्छा व्यू देती है हमें. दिखा देती हूँ ऐसे ओपन कर दूंगी तो अच्छा व्यू आता है यहाँ से. अभी हम चलते हैं आशीष के रूम पे. उनके रूम देखते हैं कि इनका रूम कैसा है. लेट्स सी. आ जाओ. तुम करके रखते हो आप लोग तो बनाता देख लो. ठीक है कोई नहीं. तो ये बेसिकली जैकेट्स वगैरह हैंग करने के लिए स्टैंड है. ये अलमीरा है. आई थिंक दीज गाइस हैव लाइक टू डिफरेंट अलमीराज. तो एक ही होगी छोटे वाली. बाकी आप दिखाओ आशीष आपके रूम में क्या क्या है. हमारा रूम है यहाँ पे बूट्स रखने के लिए आते ही जैकेट टांगने के लिए. उस साइड हमारी किचन टेबल है. किचन टेबल और किचन ड्रॉअर यहाँ पे अपने हैंगर वाली अलमारी है. ओके ठीक है. ये पेंट्री वाली अलमारी है. ओके
ओके अलमारी अलमारी होगी तो ये ऊपर बैग्स वगैरह रखती हैं, तो ऐसा नहीं है कि जगह है अपने पास, हो जाता है। ये यहाँ पे फ्रिज दे रखा है इन्होंने, ये हमारी ऑफिस टेबल है, ये हमारी ऑफिस टेबल है, और यहाँ हमारे भाई साहब काम करते हैं बैठ के, भुवन नैयर जी। ये यहाँ पे मेरा बेड है, ये लय कुमार का, ये भुवन भाई का बेड है। ये तंबुचकी है सामान रखने के लिए, सबको एक दे रखी है ये। यहाँ पे तीन चेयर है रूम में, दो टेबल है। ये यहाँ पे खिड़की है हमारी, व्यू सब खिड़कियों से लगभग सेम ही है सारा, लेकिन कोई खिड़कियाँ, ये खिड़कियाँ। तो कल स्नो, हाँ बढ़िया वाली स्नो, स्नोफॉल हुई कल, हाँ -9 डिग्री के टेम्परेचर है, लेकिन रूम्स बिल्कुल गर्म है, फील ही नहीं होता भाई, दिन है रात है गर्मी है ठंड है कुछ फील नहीं होता, जस्ट अच्छा रहता सब कुछ। तो आप लोगों को हॉस्टल से क्या क्या मिला है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं? बेसिकली डेली नीड्स की सारी चीज़ें मिली हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में चाहिएंगी, फ्रिज टेबल बेड बेडशीट गद्दे सब कुछ, चेयर तक सब कुछ मिला है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि गद्दे कंबल वगैरह हमें लेके आने पड़ेंगे क्या? गद्दे कंबल छोड़ो, बर्तन तक लेके आने की जरूरत नहीं है, कुकर को छोड़ के सारे बर्तन दे रखे हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। जो बर्तन यहाँ पे रशियंस लोग यूज करते हैं वो सारे बर्तन यहाँ पे दे रखे हैं। हेलो गाइस एवरीवन, हेलो, ये हमारे फ्लोर हेड हैं भुवन नैयर साहब। तो अभी आप एक बार हमें थोड़ा सा कुछ और हॉस्टल के बारे में बताओ। हॉस्टल में जैसे कि रूल्स हैं उसको थोड़ा फॉलो करना पड़ता है, 11 बजे के बाद पूछते हैं कि आप क्यों बाहर थे, उसके पहले पहले आपको एंट्री करनी होती है हॉस्टल के अंदर, और सबको जैसे एक विंग में, जैसे कि मैं हेड हूँ अभी, तो हर एक विंग में आपको पर्सनल, एक विंग के लिए एक वॉशिंग मशीन होती है कपड़े धोने के लिए, और किचन होती है, डेली स्केड्यूल होता है कि जिसका सफाई का दिन होता है वो सफाई करता है, ऐसे सब लोग एक साथ रहते हैं पीस एंड हारमोनी से। और बाकी फ्लोर वगैरह जेनिटर साफ़ करती है वो हमारा नहीं होता, हाँ रूम का पर्सनल जो सफाई का है वो खुद का आता है, उसके भी नंबर लगते हैं, तो अगर आपका रूम गंदा रहता है काफ़ी बार, एक दो बार रहता है, तो वो वार्निंग देते हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती है, आपको आप पे वो लिख देते हैं, कंप्लेंट लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से आपको आती है, फिर आपको लेटर का जवाब देना पड़ता है कि भाई आपका कमरा इतनी देर से गंदा क्यों है, सही क्यों नहीं करवाया। बाकी तो इन्होंने दिया है हमको ये खाने और ये बेड वगैरह भी दिए जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, ठीक है, किताबें वगैरह रख सकते हो, बाकी सब तो यही है। अच्छा रूम है, लाइटें वगैरह ठीक है, पार्टनर्स रूम मेरे भी अच्छे, रूममेट्स बड़े अच्छे हैं, सफाई रखते हैं, और हाँ जी हाँ बिल्कुल सही, साफ सफाई वाले रूममेट्स हैं, और ये फ्रिज दे रखा है हम हमारे लिए है, फ्रिज तीन बंदों के लिए पर्सनल फ्रिज है, ये है। चलो सो दिस इज आवर किचन, तो ये हमें दो स्टोव मिले हैं और यहाँ पे नीचे ओवन भी है, यहाँ पे सब लोग खाना बनाते हैं। ये हमें एक एक्स्ट्रा टेबल मिला है, यहाँ पे बेसिन दी है दो, यहाँ पे हम अपने बर्तन वगैरह जो भी यूटेंसिल्स है वो क्लीन करते हैं, ये डस्टबिन है, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें वो माइक्रोवेव भी मिला है वहाँ पे, वो भी हॉस्टल की तरफ से है, और ये भी एक जो वाटर हीटर है ये भी, और एक और चीज़ है, ये सबसे जो अच्छा बात है ये है कि यहाँ पे किचन ड्यूटी लगी रहती है, तो हर एक जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना उनको सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। टाइमिंग वगैरह को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब यहाँ आते हैं प्यार से बनाते हैं और जाते हैं, माइक्रोवेव यहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो दिस इज़ लाइक टॉयलेट रूम्स बेसिकली, तो लाइक मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे अलग अलग, एंड देर इज़ समवन इनसाइड दो विल नॉट डिस्टर्ब। देन इफ यू गो हियर, क्या ओके, तो लाइट्स क्यों नहीं आप लोगों के यहाँ? दिस इज़ लाइक योर शावर रूम एंड लॉन्ड्री रूम, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट वी हैव लाइक बॉयज़ शावर्स एंड ऑन द राइट वी हैव गर्ल्स शावर्स, एंड प्रॉपर लॉन्ड्री रूम है जो कि बहुत ही कम हॉस्टल्स में दिया जाता है, इक्विप्ड विद प्रॉपर वॉशिंग मशीन, तो आई विल जस्ट शो यू। हाँ हाँ, तो
ये शेड्यूल है जैसा कि हमने पहले बोला कि कौन किस रूम को कब अलाउड है यूज़ करना बेसिकली। ओके तो ये चीज़ बेसिकली हॉस्टल को मेंटेन करने के लिए दे हैव डन इट रियली गुड कि हाँ हर चीज़ जो है अच्छे से मेंटेन हो जाए। ओके अभी मैं आपको हमारी स्टडी रूम है वो दिखाने वाली हूँ। सो ये हमारी स्टडी रूम है, एक साथ यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स तो स्टडी कर सकते हैं, एक क्लास में नहीं रहते सो सब मिलके भी कर सकते हैं स्टडी।